हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बताइए कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नीतिका शेखो एक बार फिर से करती हूँ स्वागत दिल से। तो गाइज आज मैं आ जाऊँ एक नया व्लॉग लेकर। और टाइम हो चुका है जी सुबह के 8:30 बज गए। बच्चे भी स्कूल चले गए और पति देव भी निकल गए अपने ऑफिस के लिए। और वही टाइम तो बच्चों के स्कूल जाने का हो रहा है और वही टाइम हो रहा जी आशीष जी के ऑफिस जाने का। तो जी चाबी वाला रोबोट बनना पड़ रहा। उधर बच्चों को रेडी करो, उधर बच्चों के डैडी को चाय दो, कपड़े दो, कभी कुछ दो। तो जी बड़ा मुश्किल सा हो जाए, इसलिए आज टाइम ही नहीं लगा सुबह वीडियो बनाने का। तो जी अब बना रही है, अब करेंगे अपने दिन की शुरुआत। और बच्चे चले गए और जी आज निकल गई धूप भी। तो गाइस दिखाएंगे अब होगा बहुत काम। अब गद्दे वद्दे अपने चादरें बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे, धुलेंगे, कम्बल वम्बल धूप में सुखाएंगे। और इधर नीरज लग रहा साफ सफाई में और मम्मी जी करा रही थोड़ा सा पेड़ों में काम, क्योंकि बारिश हुई ना तो इनमें पत्ते से हवा सी चली ना तो इनमें पत्ते से भर गए गमलों में। तो वो साफ सफाई कर रहे। और उधर देखे जी हमारे श्री राम जी भी कितने बढ़िया चमक रहे धूप में। ये पाला पड़ाना, इसमें कई पेड़ सूख गए। चल जाता हाँ, जड़ तो हो रही थी पर पत्ते सूख रहे थे इसके सारे। अरे लहसुन बढ़िया खड़ी है। हाँ थोड़ी सी इसमें, इसमें ज्यादा होगी। लहसुन वैसे खड़ी बढ़िया बढ़िया चल रही। अब धूप निकलेगी, अब होंगे सही। तो ही तो भाई देखिए आज धूप कितनी बढ़िया निकल रही। नजर तो लगना जब कभी पता चला कि कल को बिल्कुल धुंधी बरसे सुबह ही। तो जी आज बढ़िया धूप हो रही। और आज हमने अपने बैठ के गद्दे रजाई भी छोने, जितने भी कंबल घर में थे सब पीछे सुखा दिए धूप में। और पापा जी ले आए थे सुबह मंडी में से सब्जी भी। और देखिए मटर तो मम्मी जी ने निकाल दी। चलिए जी दिखाते हैं आपको क्या क्या सब्जी लाए पापा जी। तो भाई देखिए ये आई जी मटर, कितनी थी मम्मी ये 5 किलो आई थी, 5 किलो हो गई। अच्छा 5 किलो ताऊ जी का गई और 5 किलो 2.5 किलो हमारे रहेगी। तो जी 2.5 किलो मटर के दाने अब निकल गए 1 किलो के करीब होंगी। और जी ये गाजर, ये गोभी, ये फूल गोभी, ये बंद गोभी और ये टमाटर, ये अदरक, अदरक तो पहले ही, ये हरी मिर्चा, अदरक तो लाई नहीं, अदरक तो पहले ही पलिया में रखा था। और ये हरा धनिया, प्याज आलू अंदर जा चुके अपने रैक में बैठ गए, अपने कमरे में जाके बैठ गए। प्याज आलू और ये इधर हमने सुखा ली चने की दाल भी, इससे फिर हम कुछ तो खाने में यूज करेंगे दाल वाल में। और कुछ इसका बनवाएंगे जी बेसन, क्योंकि वो जो बाजार से आता है तो जी वो होता है ज्यादा ही बारीक सा, उसके पकोड़े वगैरह। और पकोड़ी इतनी अच्छी नहीं बनती तो थोड़ा सा मोटा सा ही किस्मा में। तो जी और ये होता है घर का प्योर बेसन भी। तो अब चलेंगे जी किचन में, देखेंगे खाने वाने में क्या क्या बनना अब। तो गाइस देखिए अब हम कर रहे हैं जी खाना बनाने की तैयारी। और खाने में बना रहे हैं हम राजमा चावल। तो जी अभी हमारा मसाला फ्राई होने लग रहा है और इधर हमारे चावल भी बनने लग रहे। और इधर देखिए जी हमारा राजमा भी रेडी है उबलकर। तो बस अब फटाफट से बना देते हैं जी खाना सभी के लिए। तो गाइस देखिए कपड़े तो हमारे सूख गए क्योंकि धूप बढ़िया हो रही है और साथ में चल रही हवा। और जी ये हमने अपनी रजाई भी सुखाई थी, गद्दे तो सुखा के लगा दिए हमने अंदर बेड पे। और टाइम हो रही जी 2:00 PM, तो अब थोड़ी देर करेंगे आराम। काम सभी खत्म हो गया, फिर 3 बजे आ जाते हैं जी बच्चे। तो गाइस देखिए बच्चे आगे स्कूल से आते ही ना तो अपनी यूनिफॉर्म निकालनी, न बैग उठा के रखने, और आते ही दाल में हाथ निकाल लेंगी, दाल से खेलोंगे इनके, दाल सुखावेंगे आते ही। चलो चलो यूनिफॉर्म चेंज करो। नमस्ते जी। ओ बेटा किधर जा रहे, किधर चले? तो गाइस देखिए किधर चले हो, ऑरेंज बेचने जा रहे क्या? तो हमारी गुड़िया जा रही जी ऑरेंज बेचने। क्या रेट दे रहे ऑरेंज ये तो बता दो हमें। 20 लाख रुपए किलो। अच्छा फिर कोई नहीं लेने का तुम्हारे इतने महंगे। 10 रुपए किलो तो सब ले लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ फिर दे दो। बस इधर नहीं, मैं तो इधर ही आऊंगी, आ जाओ आप। तो गाइस देखिए स्कूल से आते इसकी मस्तियां शुरू हो ली। ये जल्दी संतरे बेचने ले लो, आप भी खरीद लो इससे संतरे। ना ना नीचे नहीं गिराते। तो देखिए जी बच्चे जाएंगे ट्यूशन में और फटाफट से देवशी कर रही है अपना ट्यूशन का काम। जाने के नहीं, चलो ठीक है वर्क तो कर लो अपना, मजा आइयो वर्क कर लो अपना फटाफट से, ठीक है। यार यार ट्यूशन
क्यों नहीं जा रहे? मैं जाना। क्या दिक्कत है? मैं जाना। दिक्कत क्या है, क्यों नहीं जाना? ये बैग उठा लो जल्दी चुपचाप। तो गाइस देखिए, आज आपने देखा कि देवशी कितना ड्रामा कर रही ट्यूशन जाने के लिए। देखी जाएगी वहां पे, पढ़ेगी या वापस आ जाएगी बिना पढ़े। आज बिल्कुल साफ मना कर दी कि आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना। अरे तो पीछे ही है ना, का बनेगा इनका सारों का। ठीक है, तो गाइस देखिए बच्चों के लिए बनावेंगे जूस, क्योंकि देवशी गई बहुत रोके। ये बोल रही थी कि कुछ अच्छा सा बना दियो मेरे लिए, तो उसके लिए जूस बना रही दोनों बहनों के। मैं मशीन भी ले आई, ऊपर से उतार के ऊपर रख रखी थी, क्योंकि अभी सर्दियों में इसकी जरूरत नहीं थी। तो गाइस देखिए बच्चों के लिए निकाल लेंगे जूस, तो जी से मशीन को कर लेते हैं रेडी। देखे जूस तो निकल गया और कुछ बचा लिए कल के लिए, इनका कल निकाल देंगे। और अब इसकी करेंगे सफाई और इसे गाय माता के आगे जागा के ना, अच्छा खाने की नहीं, तो ये जाएगा कूड़े पे जी। और अब पहना आज नया सूट, नई कुर्ती आराम मिल रहा है इसमें, कपड़े में तो मिलेगी। हाँ नहीं, बहुत सा ऐसा होना जिसमें आराम नहीं मिलता, और जैसा दिन आज था ऐसे में तो अच्छे रहे। रात को रजाई में पड़ के दिक्कत नहीं होती इनमें, हल्के कपड़े में ज्यादा गर्म में रजाई में लेट के दिक्कत सी हो, थोड़ी सी खुजली सी आवे। मोटा कपड़ा पैर के नहीं पड़ा जाता। हाँ तो गाइस देखिए बढ़िया लग रही मम्मी जी की कुर्ती, खिल रही मम्मी जी तो आज। हरी हरी हो रही, हरियाली छा रही आज मम्मी जी में। और इधर देखिए गाइस सूर्यदेव महाराज अब जाने लग रहे हैं अपने घर पे। टाइम हो गए जी 5 बजने वाले, थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से। देवसी तो आज बहुत झगड़ा करके गई ट्यूशन में, मना कर रही थी बिल्कुल, ये कह रही मुझे अपने आप तो घर रह गए, हीरो बनो फोन। अच्छा? देखो हाँ तो मुझे ट्यूशन में भेज रहे, मकाम तो देख लो हम हीरो बने यहाँ घर रह के। हाँ हम हीरो बन रहे, मैंने ऐसी कहे तुम तो हीरो बनो घर रह के। देख लो वैसे जोर बहुत पड़क रहे तो गलती देवसी की नहीं है, बच्चों पे जोर पड़े ही अपने आप गर्म मौज करे ये रहे बच्चों का। तो भाई देखिए जूस भी बन गया हमारा, और अब बस अंदर चल रहे किचन में इसे संगवाएंगे, और उनके लिए गिलास में पहले ही डाल के रख दूंगी, नहीं तो फिर आप ती देवसी करेगी झगड़ा। और झगड़ा करती करती वो गई थी, और माता जी बस ये बता दो क्या बनेगा। सब्जी रखी है तो रोटी बना ली, काम है तो बना लो। सब्जी तो वैसे रखी, और बच्चे तो वही खावेंगे, छोले राजमा चावल ही खावेंगे बच्चे तो, और बच्चों के डैडी भी वही खावेंगे। सही है, भी आ रही होगी फैमिली तो चावल ही खावेगी। उन्हें तो चावल ही पसंद है, भी आ रही की फैमिली को तो आलू और चावल ही दो चीजें चाहिए रोज की, ये दो मिल जाए तो फिर और कुछ आता ही नहीं। चावल चावल
चावल और आज वैसे दिन भी बढ़िया हो रहा था। लगे चावल नहीं बना, परेशान हो गया। बहुत बहुत परेशान रहे। एक दिन तो ये कह रहे अपने आप खा ले कर खाने को, मेरे लिए चावल नहीं बनाती और बाहर के अच्छे नहीं लगते चावल। वैसे खा तो ले दोपहर में भी, वहाँ पर भी अच्छे नहीं मिलते उन्हें। और कुछ ऐसे नहीं बनाते जैसे इन्हें चाहिए, खिले खिले। तो जी देखिए दोनों बहनों के आने से पहले उनका जूस रेडी करके रख दिया और आते ही फिर पी लेंगी तो खुश भी हो जाएगी, वरना बहुत झगड़ा करके गई देवसी हमारे साथ में। तो जी बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा सा ऑरेंज का जूस रेडी है, ये गाइस आप भी पीजिए हमारे साथ में। तो जी देखिए बच्चे आ गए ट्यूशन से और अब बच्चों को पिलाएंगे ऑरेंज जूस और बच्चों को है ये बहुत पसंद। लो भाई किस टाइम रोज दूध दू ना इसलिए याद आ रहा। देखिए बच्चे पी रहे ऑरेंज जूस दोनों ट्यूशन से आके और अब हम रखेंगे कपड़े अंदर जो धुले थे उनकी तय बन गई और मम्मी जी जाएंगे नीचे दूध निकालने और अब मैं बनाऊंगी ये खाना सबके लिए। टाइम हो गए जी 5:45 बज गए, दिन को फर्क लग गया मम्मी अब तो फर्क लग रहा 5:45 बज गए, नहीं तो इस टाइम तो अंधेरा हो जा कर रहा था बहुत। जिस दिन धूप निकला उस दिन और भी बड़ा दिन दिखे, आज तो बहुत ही बड़ा दिन लगा। किसमें करना कलर आज नहीं करना इसमें। फ्रेंड्स आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कि आर्ट कितने अच्छे अच्छे आर्ट से मन तो करता है मैम से जाके पूछ लूं मैम कहाँ से ये बनाई आपने। ये बच्चों की तो अच्छी होती है। मैम मुझे मत दिखाओ, शुरू से दिखाती हूँ। चलो मैं है ये मैंगो, मैंगो ही मैं तो एक सोच रही थी टंगो वाला हाथ तो पाँव वाला लंबी लंबी टंगे। मैम ने बनवा रखे थे स्कूल ये में। यहाँ पे ना फिश बनाई थी पत्तों से वो हट गई। ये फ्लावर बहुत सुंदर है यार, ये कैसे बनाया यार मेरे को भी वीडियो शेयर जैसे बोट हो ऐसी। मैम से ही पूछियो, मेरे को भी वीडियो शेयर करना है यहाँ पे देवशी। मैं कहाँ से शेयर करूँ, मैम शेयर करेगी मैं करूँ अरे वो शेयर करना वे। अरे यहाँ पे भी ये यहाँ ये डायनासोर यहाँ पे पेस्ट होगा। अरे देवशी हाथ हटाओ, और ये मैंने बनाया ये तो मैंने नहीं बनवाया था, ये मैंने बनाया था। दोनों ने बनवाया था मम्मी बेटी ने। क्या क्या बनाया था ये भी अच्छा।